और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोपहर करीबन 2:30 बजे फैसला आ सकता है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई पहले ही हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आज फैसला आएगा और देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की तरफ से गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। देखिए, ये भी आपको बता रहे हैं, ईडी की तरफ से क्या कुछ अपील की गई है और केजरीवाल का पक्ष क्या कुछ है। ईडी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिश्वत के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया। केजरीवाल का पक्ष है कि चुनाव के लिए गिरफ्तारी पर जो है उन्होंने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो ईडी कह रहे हैं कि आप एक राजनीतिक दल है लेकिन पैसे से चुनाव लड़ा गया। साथ ही केजरीवाल का यह भी कहना है कि शुरुआती बयान में कहीं ना कहीं जो है अलग अलग बातें हैं, स्क्रिप्टेड है केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये उनके वकील कह रहे हैं, और चुनाव के बीच गिरफ्तारी पर सवाल उठे। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब आप ऐसे में समझिए, दिल्ली हाईकोर्ट जब आज फैसला सुनाएगी तो इन तमाम दलीलों के हिसाब से सुनाएगी, जो ये पहले दलील दी गई थी केजरीवाल की तरफ से भी और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से भी। अब ऐसे में क्या राहत मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घोटाले की जांच में जुटी है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और इस घोटाले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो मनोज तिवारी की तरफ से कहा गया कि देखिए, केजरीवाल ने ही आतिशी का नाम लिया है, केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया, जिसका नाम लिया है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मनोज तिवारी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बड़ा निशाना साधा गया। घोटाला इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है वहां तक तो पहुंचने की कोशिश करेगी ही जांच एजेंसी। अब रही बात कि इस शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आप दोनों का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने दिया और आतिशी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी का नाम दिया। तो मेरा मानना है कि जब ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि इस घोटाले में ये भी हैं, तो जांच एजेंसी को ये जांच तो करनी पड़ेगी। और मेरा मानना है कि जो निर्दोष है वो सत्य थोड़ा देर परेशान हो सकता है, लेकिन जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। INDIA गठबंधन की चुनावी रणनीति और बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में क्या है तैयारी, इस मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। अब्दुल्ला साहब, प्रधानमंत्री ने जो 370 पार का नारा दिया है, जाहिर सी बात है आप ही की तरफ देख के दिया होगा, कश्मीर की तरफ। मैं क्या कह सकता हूँ, अब क्या देख के दिया, लेकिन जहाँ तक 370 की बात है उससे ज़्यादा ही क्या देते, 370 पे ही क्यों गाड़ी रोक दी, 400 का ही क्या देते, मतलब इंडिया अलायंस के लिए एक भी सीट छोड़ना क्यों, सारे ही रख लेते। महबूबा मुफ्ती से बात क्यों नहीं बनी, क्योंकि आप यंग हैं, वो भी यंग है, दोनों अपनी पार्टियों का मोर्चा संभाल चुके हैं, कहाँ केमिस्ट्री में गड़बड़ हो गई, मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो गई, कहाँ? केमिस्ट्री में कोई गड़बड़ नहीं, मैथमेटिक्स में परेशानी ये रही कि 3 सीटें पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, 3 सीटों पर हमें बात करनी थी, जिन 3 सीटों पर हमने कांग्रेस से बात की उन पर महबूबा मुफ्ती का कोई खास असर रसूख है नहीं। हमने उस वक्त भी कांग्रेस से कहा था कि हमें कोई मतलब इस पे आपत्ति नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, अगर के इस इलेक्शन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके लड़े और विधानसभा के चुनाव जो हैं
उसमें फिर हम पीडीपी के साथ मिल के इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश जो है उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि पीडीपी को वो बात सूट नहीं कर गई, उन्होंने कश्मीर की 3 सीटों पर अपने ऐलान किए हैं उम्मीदवारों के, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर, इंडिया गठबंधन जो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की थी और आपको देखा था मैंने बैठकों में हर जगह आप पहुंचे थे, कोशिश तो पूरी हुई, लेकिन आपको लग रहा है कहीं लड़ती हुई, क्योंकि बीजेपी कहीं लड़ती हुई दिख नहीं रही है, ये पार्टियां जो हैं वो पहले ही हार मान चुकी हैं, आपको लग रहा है कि आप लोग टफ कंटेस्ट दे पाएंगे? किसने हार मानी, कहाँ मुझे बताइए ना, इंडिया अलायंस के किस पार्टी ने कहा है कि हम टक्कर देने के लिए तैयार नहीं हैं या हम इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे? मुझे तो किसी को हार मानते हुए मैंने तो नहीं देखा। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमें तो लग रहा है कि मुकम्मल टक्कर न सिर्फ बीजेपी को जम्मू और उधमपुर की सीटों में, बल्कि जहां पे बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ कश्मीर की 3 सीटों पे भी उनकी नज़र है, उस पर भी हम बीजेपी को शिकस्त दिलाएंगे। वो तो कह रहे हैं 300 पार, तो बीजेपी 370 के पार है, प्रधानमंत्री बनने जाने मोदी जी, ये क्यों मुस्लिम लीग से कहीं उठा रहे हैं कुछ, कहीं ममता बनर्जी उठा रही हैं बांग्लादेश से, वो कह रहे हैं ये कंटेस्ट में ही नहीं है, लड़ क्यों रहे हैं लोग चुनाव? आपको इंडिया शाइन्स याद है? मुझे तो अच्छी तरह से याद है। 2004 एक चीज़ का जो है हमें याद रखना चाहिए, जो वोटर पसंद नहीं करता वो लीडरों के तरफ से पहले ही ऐलान करना कि वोटर क्या करने जा रहा है। वोटर जो है जब तक पोलिंग बूथ में नहीं जाते तब तक ये कहना कि हमें पहले ही से पता है ये क्या करेंगे, ये खतरे से खेलने के बराबर है। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री को या किसी सियासतदान को वोटर्स को फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए। ये टक्कर है और इस टक्कर में शायद बीजेपी को जितनी सीटों की उम्मीद है उतनी सीटों पर वो शायद नहीं आ। दावा किया जा रहा है कि बीते करीब 4 दशक में पूर्वांचल में ये पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जो बाहुबलियों के प्रभाव से मुक्त होगा, क्योंकि दावा किया जाता था कि पहले माफिया डॉन मुख्तार और अतीक अहमद अपने प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव में जमकर धांधली करते थे और अपने समर्थकों और करीबियों को जितवाने के लिए हर हथकंडा अपनाते थे। दावा किया जाता है कि मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद भले ही लंबे वक्त से जेल में बंद थे लेकिन हर चुनाव पर उनका प्रभाव रहता था। राजनीतिक संरक्षण की वजह से जेल में बैठकर ही वो किसी भी उम्मीदवार को जितवाने और हरवाने का दम रखते थे और उसी संरक्षण के दम पर दोनों माफिया सरगना ने करीब 4 दशक तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अपना दबदबा बनाए रखा था। कहते हैं कि एक वक्त पूर्वांचल के कम से कम 12 जिलों में इन दोनों गैंगस्टरों की तूती बोलती थी और दावा किया जाता है कि मुख्तार और अतीक के प्रभाव वाले इन जिलों में सियासत में पत्ता भी उनसे पूछ कर ही हिलता था और सियासी बढ़त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम सियासी दल भी इनका साथ लेने में हिचकते नहीं थे। लेकिन वक्त बदलने के साथ ही पूर्वांचल की सियासत बदल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जबकि पिछले साल प्रयागराज के माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि करीब 4 दशक बाद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव बाहुबली मुक्त चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के